मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे नामों से इस इंडस्ट्री को पुकारा जाता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा हो रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है, पर अभी तक अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो इस वीडियो में अब आपको पता लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आपको अगर मैं बताऊं बहुत सिंपल शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग होती है एक मार्केटिंग मॉडल, एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल, क्या बोला मैंने, मार्केटिंग मॉडल, जिससे एक कंपनी अपने गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जिससे सबसे तेजी से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लोगों के बीच में पहुंचा सकती है। होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का होता है। ये वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप बचपन से चीजों को रिकमेंड करते आ रहे हो, आपने एक मूवी देखी, आपने थ्री इडियट्स देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने जाके सबको बताया, आपने प्रमोट तो किया, क्या आपको उसके पैसे मिले? नहीं मिले। आपने रिकमेंडेशंस करी और बचपन से करते आ रहे हो, आपको किसी हलवाई की मिठाई अच्छी लगती है, आपने उसके लड्डुओं को प्रमोट कर दिया, भाई लड्डू खाइयो तो वहीं के खाइयो, बट अगर आपने उस व्यक्ति को उसकी दुकान पे भेजा तो क्या आपको कभी लड्डू फ्री में मिले? नहीं मिले। बट नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या कहता है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी और आपने उसकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। वेरी नाइस, इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और मैंने उस चीज को रिकमेंड किया तो रिकमेंडेशन पे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, कमीशन मिलना बिल्कुल बनता है। पर इसमें एक और एडवांटेज क्या है, ये तो सिर्फ एक कमीशन बेस्ड मॉडल हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया, आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं था, अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि एक ऐसा मल्टीविटामिन है जिससे आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, आपने उस मल्टीविटामिन को यूज किया और आपकी एक्चुअल में एनर्जी बढ़ गई, आपको फायदा हुआ, पर आपने उस मल्टीविटामिन को अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया। सी, आपके फ्रेंड को उस मल्टीविटामिन के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, पर जब आपने रिकमेंड किया तो कंपनी की सेल हो गई, पर एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी के को यहां पे फायदा तो हुआ उस पर्सन से, बट मेरा क्या फायदा हुआ? भाई मैंने प्रमोशन करी थी, आपने खरीद लिया था, मुझे कमीशन आ गई थी, पर उस व्यक्ति ने भी खरीदा तो मुझे तो कुछ नहीं आया। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या कहता है, एक नेटवर्क के अंदर, आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हूं या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो आपके नेटवर्क, आज आपसे जो भी सेल शुरू होंगी कंपनी को, आपको कंपनी एक परसेंटेज दे देगी, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे कि आपके थ्रू कंपनी को चाहे 10,000 का टर्नओवर आए, चाहे 1,00,000 का आए, चाहे 10 करोड़ का आए, आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हर कंपनी के अलग कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं, हर कंपनी के अलग मार्केटिंग प्लान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी परसेंटेज या पैसा देती है मार्केटिंग करने में। एक चैनल अगर बन जाता है तो उस पूरे चैनल में जो सेल्स हो रही है उसका पैसा मिलता है जब एक प्रोडक्ट और सर्विस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू फ्लो होती है। अब यहां पे भी कुछ भी गलत नहीं, पर मार्केट के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा दो तरह की कंपनी है, एक सही और एक गलत, एक लीगल और एक इलीगल। जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें क्या है कि परसेंटेज मिलता है टर्नओवर पे। अगर मेरे प्रमोशन से 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर आया तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर एक परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। लेट से अगर वो 10% है तो 1 करोड़ का 10% 10,00,000 रुपए मुझे मिलेंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि टर्नओवर आता है, टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है। पर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोगों को सिर्फ जोड़ने का पैसा देती हैं, या उनमें कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स बड़ी होती हैं या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो वो पॉन्जी स्कीम बन जाती है। तो आपको यहां पे ये समझना है नेटवर्क मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम में फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा या सर्विसेज का प्रमोशन होगा, टर्नओवर जनरेट होगी तो पैसा आएगा, और पॉन्जी स्कीम के अंदर टर्नओवर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होगा, पैसा लगा रहे होंगे लोग प्रोडक्ट और सर्विस का
ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा होगा, और तब भी अगर पैसा आ रहा है या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वहां पे आप सतर्क हो जाओ कि गलत है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट का एक जरिया है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बहुत जल्दी मार्केट में उतार देती है। अगर एक इंसान ने 10 लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, और उन 10 लोगों ने भी आगे 10 लोगों को प्रमोट किया तो 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने आगे प्रमोट किया तो 1000 लोग हो गए। ये जो प्रमोशन हो रहे हैं ये कंपाउंडिंग ग्रोथ ला रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी को जो टर्नओवर जा रही है कंपाउंडेड जा रही है, 10 से 100 सेल्स, 100 सेल से 1000 सेल। तो जो व्यक्ति इसे शुरू करता है, मार्केटिंग मॉडल के अंदर आता है, तो उसे भी कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है कमीशंस की। पर यहां पे एक मिथ है, लोगों को लगता है जो इंसान शुरू करता है सबसे पहले वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, ये गलत है। क्योंकि यहां पे परसेंटेजेस होती हैं, हर इंसान को अपने लेवल के अकॉर्डिंग एक फिक्स परसेंटेज आएगा। पर यहां पे ये भी चीज समझिए, जो इंसान अभी शुरू कर रहा है उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हैं या आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़े पैसे कमाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि कंपाउंडेड ग्रोथ होगी, सेल्स आएगी तो आपको कंपाउंडेड कमीशंस मिलेंगी, और कंपाउंडेड कमीशंस मिलेंगी तो इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर कम वक्त में बहुत पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि यहां पे पैसिव इनकम आती है। आप अगर दुनिया में कोई भी और व्यापार करते हैं, आप देखेंगे स्टार्टिंग में अगर छोटे लागत से काम शुरू करोगे तो खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा व्यापार होगा तभी पैसिव इनकम आएगी। ये पैसिव इनकम क्या होता है, काम करो या ना करो अगर पैसे आते हैं तो उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है, कि मैं मेहनत करता हूं मैं पैसे कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं मैं पैसे कमाता हूं। अगर मैं ही मेहनत करता हूं और मैं ही पैसे कमाता हूं तो ये तो एक्टिव इनकम हो गई। जैसे किसी जॉब में होता है, किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान को आते हैं, एक प्रोफेशनल को पैसे आते हैं, तो काम करते हो तो पैसे आते हैं, इसे एक्टिव इनकम बोलते हैं, और काम नहीं करते तब भी पैसे आते हैं, इसे पैसिव इनकम बोलते हैं। आप क्या चाहेंगे, आपको क्या है, आपको एक्टिव इनकम है कि मेहनत करता रहूं और पैसे आते रहे, या एक बार मेहनत करने के बाद आपको पैसे आते रहे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि काम मैं एक बार करूं, एक बार मैं टीम बना दूं, एक बार एफर्ट डाल दूं और पैसे मुझे लाइफ टाइम आते रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का, कि आपको पैसिव इनकम आती है। आपने एक बार मार्केटिंग मॉडल बनाया, आपने एक बार अपना टीम का निर्माण किया और वो टीम मिलके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आपको एक परसेंटेज, जिससे मैंने बताया कि कमीशन आएंगे और वो आते रहेंगे। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक, मैंने जैसे बताया, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे सेकंड मैन जो आपको पॉइंट बताया वो ये बताया कि यहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ आती है, कंपाउंडेड कमीशंस आती हैं, कम समय में ज्यादा पैसा आता है। तीसरा, काम करो या ना करो तब भी पैसा आता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग से आपको भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। कंपनी का क्या फायदा है, कि कंपनी को कमीशन सेल होने के बाद देना है, सेल्स होने के बाद कमीशन देना है। जबकि अगर बाजार में आप देखोगे, आईफोन का पहले एडवर्टीजमेंट आया, आईफोन बिका बाद में, तो कंपनी के पैसे पहले लगे, पैसा बाद में आया। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले प्रोडक्ट बिक गया और कंपनी को बाद में कमीशन देना पड़ रहा है, तो कंपनी का फायदा। और व्यक्ति का फायदा क्या है जो प्रमोट कर रहा है, कि उसके नेटवर्क से जो भी सेल आएगी उसको उस पर एक परसेंटेज मिलेगा, तो काम करेगा या नहीं करेगा तब भी पैसे मिलेंगे। सो ये फायदे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, और मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस नहीं है। जितने मिलियनेयर्स पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में बने, इतने कहीं नहीं बने। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशन की तरह ऑप्ट करना चाहते हो तो